और ये देखो ये बिल्डिंग है। अरे गूगल मैप देखो मुझे कहाँ लेके आया यार, रोड ही नहीं है। रेफरल बोनस भाई, रेफर कर लेना कोई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं हूँ इलेक्ट्रॉन सिटी के पास का एक एरिया जिसका नाम है कोनप्पना आगरा हरा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सिटी फेज टू का जस्ट नेक्स्ट वाला एरिया है, तो इसमें मैं आज वॉक करने वाला हूँ। ये एरिया लगभग ऑलमोस्ट 50-50% में डिवाइड हुआ है। एक है जो मेन NH है मेरा पीछे, उसका राइट हैंड साइड में टूवर्ड्स होशूर, और 50% एरिया है लेफ्ट साइड में। तो अभी मैं जो लेफ्ट साइड वाले एरिया है उसमें वॉक करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा है एरिया। मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर डेवलप है। इस एरिया में बहुत सारे PG देखने के लिए मिलेगा, PG अकोमोडेशन की। फेज टू तो जस्ट नेक्स्ट एरिया है, विप्रो इंफोसिस जो है काफ़ी नज़दीक में ही है। तो चलिए देखते हैं, घूमते हैं कैसा है एरिया। और ये जस्ट मैं अभी मेन रोड से 10-15 मीटर अंदर आ चुका हूँ लेफ्ट में, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग PG वगैरह ढूंढ रहे हो कृपया आप नंबर देखते रहिएगा, बहुत सारे PG आपको दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। इस एरिया में जो है अकोमोडेशन थोड़ा सस्ता है, 4-5 हज़ार में आपको 1 BHK छोटे छोटे घर मिल जाएगा। और PG तो भाई आपके ऊपर है, सिंगल ज़्यादा महंगा पड़ता है, बाकी ट्विन शेयरिंग 5-6 हज़ार में भी मिल जाता है। तो चलो देखते हैं, ये है भाई अंदर का गली, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। श्री बालाजी PG, जेंट्स PG है, देखो क्या क्या एमिनिटीज़ है यहाँ पे, फोटो दिया हुआ है। तो देखते हैं, टाइम है अपने पास अभी 1-1.5 घंटा, तो वॉक कर ही सकते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ये जोलो इन। सो जोलो एक दोस्तों एक कंपनी है जो PG का सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर है, उनसे पूछते हैं कि कैसा है इसका प्राइस। तो सर यहाँ पे सिंगल शेयरिंग का कितना चार्जेस करते हो? अभी सिंगल शेयरिंग का 6,700 है। 6,700 भी है तो लो प्राइस अभी 6,700। उसमें क्या क्या एमिनिटीज है सर? उसमें आपको रहेगा कॉमन फ्रिज, अच्छा कॉमन फ्रिज, ओके, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में खुद खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अच्छा फ्रिज रखा है कॉमन, अच्छा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वाईफाई होगा, वाईफाई है, अच्छा बैकअप पावर है, बैकअप पावर भी है, पार्किंग के लिए भी है, पार्किंग के लिए है। अच्छा अच्छा, तो और इसमें आपको एडवांस कितना देना होता है? अगर 1 मंथ रेंट टू एडवांस, 1 मंथ रेंट एडवांस अगर खाली करेंगे तो हम कितना दिन पहले आपको नोटिस देना है? 1 मंथ पहले नोटिस देना होगा, फिर वो अमाउंट आप वापस करेंगे, उसके बाद रिफंडेबल होगा। अच्छा रिफंडेबल है जी। बाकी हाउस कीपिंग सर्विस कैसे रहते हैं, कितना बार साफ करवाते रूम? अल्टरनेट डे, एक दिन का बाद एक दिन। कितना शेयरिंग तक है एक एक रूम? अभी हमारा पास है 3 शेयरिंग तक, 3 शेयरिंग है, एक या फिर 2 अला नहीं है आपके पास? सिंगल है, 2 शेयरिंग है, 2 शेयरिंग, अच्छा 1, 2, 3 शेयरिंग है। ये जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए या फिर दोनों के लिए? दोनों के लिए जी। कपली भी है, कपली रूम भी है, कपली रूम भी हम लोग कपिल के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इनका एक नंबर ले लेता हूँ, आप लोगों में से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिसिटी फेज टू की तरफ कोनप्पना आगरा में PG अकोमोडेशन चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो। सर जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो आपका शायद कुछ हेल्प हो जाए। जो रोड है ना, ये टॉपिंग की हुआ रोड है कंक्रीट की, अच्छा है। बाकी यहाँ में ना बहुत सारे बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके का, 2 लेट, 1 BHK, 2 BHK, इस टाइप का देखो, तो ऐसा बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा, आप कॉल कर सकते हो। छोटे छोटे शॉप्स है, किराना स्टोर्स है, बेकरी टाइप का है। अंदर मुझे होटल दिखा नहीं, थोड़ा सा आगे इधर दिख रहा है अभी कुछ होटल वगैरह। अभी मैं कोनप्पना आगरा रहा, GS पालिया करके एक एरिया है, मतलब सब एरिया है कोनप्पना आगरा हरा का अंदर ही, उसका मेन रोड में घूम रहा हूँ। ये थोड़ा सा कमर्शियल है, मतलब ये मेन रोड का साइड में बहुत सारे हैं, आपको दुकान देखने के लिए मिलेगा हर एक चीज़ का।
यहाँ पे कुछ देवस्थान है और एक बड़ा सा मूर्ति भी बन रही है अभी। यहाँ पे वेजिटेबल्स मार्केट वगैरह भी है लेफ्ट में। रोड तो है पर यहाँ पे फुटपाथ या फिर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, अभी बनाया नहीं। आई थिंक गेल गैस का पाइप दिख रहा है। पानी के लिए भी लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं पानी भरने के लिए। बाकी ये रोड ऐसा है। तो यहाँ पे एक सिग्नल है और सिग्नल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिटी का फेज टू का एरिया शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रा जुडिक्शन स्टार्टेड, मतलब ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ से इस तरफ जो एरिया है ये पूरा इलेक्ट्रॉन सिटी फेज टू का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो है। और उसका आसपास कुछ ऐसे ही एक शमशान है इधर लेफ्ट में, देख पा रहा जंगल। और यहाँ पे एक चौराहा है तो मैं अभी चल रहा हूँ आगे की तरफ। और इस तरफ मैं आगे जाऊँगा अभी PS कॉलेज की बैक साइड की तरफ आई थिंक। तो ये है, ये वाला एरिया मैंने ऑलरेडी एक बार घुमा हूँ, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये रोड का हालात कुछ ऐसा है भाई, इधर दोनों तरफ शमशान है, बीच में से एक रोड गुजर रही है। कोनोपना अग्रहारा लेक रोड, मेरा पीछे जो ये एरिया देख रहे हो इस तरफ मेरा हैंड की तरफ, वो यहाँ पे एक लेक है जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। थोड़े एरिया में पानी है और लेक पर मिट्टी उट्टी डाल के धीरे 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 जो है लेक को क्लोज कर देते हैं। फिर वहाँ पर जो बड़े बड़े बिल्डर हैं अपना कब्जा करके बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये जो एरिया है ये लेक है, आप देख पा रहे हो ये बाउंड्री लगा हुआ लेक है। और ऑलमोस्ट काफ़ी दूर तक जो है लेक को बंद कर दिया है मिट्टी डाल के। तो कुछ साल के बाद वो पूरा ही बंद हो जाएगा, फिर वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर देगा, अपार्टमेंट या फिर कुछ भी बना देगा बड़ा, जो कंपनी से होता है बिल्डर्स। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, आपको पता ही होगा, वही सीन है। बाकी लेक तो उसको क्लीन व्लीन करके ठीक ठाक रखना चाहिए था बट नहीं है। हालांकि कई सारा जगह पे लेक को बैंगलोर में अभी BBMP ने अच्छा रीबिल्ड किया है, पानी उनी को फिल्टर करके अच्छा पानी डाला है, मतलब पानी उनी बराबर रहता है। ये कोई हिस्टा होम्स करके आपको अपार्टमेंट दिखेगा। यहाँ पे कुछ बाइक का सर्विसिंग सेंटर है और ये पूरा अपार्टमेंट है, आप देख लो। अगर रात को आपको मेन रोड से यहाँ पे आना है, क्योंकि बीच में खाली एरिया है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है वो लाइटें वगैरह नहीं है। तो भाई साहब अभी एड्रेस चेंज हो गया है, ये है दोड्डा मंगला विलेज, थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, लगभग 2 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये दोड्डा मंगला विलेज करके दिख रहा है, मेन रोड है ये एक्चुअली। ये कोनोपना अग्रहारा का बॉर्डर पे चलता हूँ, चल रहा हूँ उस एरिया का। सही है यार एरिया, बट मेन रोड से काफ़ी दूर है ये। ये सब बस रूट भी नहीं है, मतलब बस में आप नहीं आ पाओगे। इसको बॉस कंपनी ने डेवलप किया है, यहाँ पे लगाया हुआ है। और पूरा इस तरफ अभी भी खाली मैदान पड़ा है यार इस तरफ से भी। भाई साहब मैं यहाँ पे घुस गया है दोड्डा मंगला विलेज में, पूरा बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड नहीं है मतलब अंडर डेवलप है। ये जो देख रहे हो ना ये रोड है, रोड बन रहा है यार इस तरफ, एक लेआउट है, काफ़ी सारा बिल्डिंग बन रही है। सामने एक रोड मिल गया मुझे, ये रहा। तो भाई साहब ये दोड्डा मंगला विलेज ही है, कोनोपना अग्रहारा का सब एरिया है। अभी हम जाएंगे लेफ्ट में, मेन रोड दोड्डा मंगला विलेज। और इसका भी इधर अभी देखो गटर के काम चल रहा है भाई। तो ये एरिया अभी भी डेवलप हो रहा है भाई, देखो ये सब बन रहे हैं। अल्पाइन स्क्वायर करके एक अपार्टमेंट है, ये वाला एरिया मस्त दिख रहा है देखो इस साइड। भाई साहब दुकान लगा रहे, सामने है PS इस तरफ, कार की गरज दिख रहा है, यूज्ड कार की ऑडी मर्सिडीज़।
क्या पुराने पुराने मॉडल्स खड़े हैं भाई। पीएस कॉलेज का बिल्डिंग है ये सब। इधर गेट है, काम चल रहा है उधर। तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड पे एक अपार्टमेंट। अभी तो इस एरिया में ना ही मुझे कोई बड़ा सुपरमार्केट देखा, ना ही मुझे कोई शॉपिंग मॉल देखा, तो ऐसा है सीन। बाकी छोटे छोटे किराना स्टोर्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी दिखा, पर एरिया ठीक ठाक है, एरिया ठीक ठाक है। इसमें कम रेट पे आपको घर मिल जाएगा जो मैंने पहले देखा था। ये कोई फैक्ट्री है इस तरफ। अच्छा बॉश का है, बॉश का ही प्रीमिसेस है, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई ये है बॉश का प्रीमिसेस। बॉश वाले भी यार पता नहीं कहाँ कहाँ ले रखा है प्रीमिसेस। बहुत सारी जगह में बॉश का ऑफिस है, हाड़गोड़ी, कोडमंगला, इलेक्ट्रॉन सिटी, डेयरी सर्कल इधर भी है। बहुत देर के बाद कुछ शॉप देखा मुझे, लोहड़ियर पार्लर वगैरह देखा। ऐसा पीछे था वो बॉश के ऑफिस। अभी मैं सीधा चल रहा हूँ राइट, इसके राइट हैंड साइड में आगे जाएंगे तो दूसरा वाला एरिया है। इस तरीके का कचरा वचरा हर जगह देखने के लिए मिलेगा आपको। फैक्ट्रिया भी है मेरा राइट हैंड साइड में, कुछ फैक्ट्री है बालाजी फैंसिंग करके है। इधर एक अंदर की रोड है, ये नाम की रोड है क्योंकि ये जगह अभी तक डेवलप हुआ नहीं, तो इसकी वजह से रास्ते वगैरह भी ठीक से नहीं बनाया। अरे गूगल मैप देखो मुझे कहाँ लेके आया यार, रोड ही नहीं है इस तरफ। तो ये प्रॉपर्टी बहुत दूर से दिख रहा था, VRR नेस्ट करके है नाम। आगे अभी थोड़ी ही दूर पे मेन रोड है, जो प्रॉपर्टी है इनकी वजह से ये शायद रोड को बना के रखा। बाकी यहाँ पे फैक्ट्री से कई लेफ्ट हैंड साइड में ही एक फैक्ट्री दिख रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही है फैक्ट्री से मशीन्स की। और राइट हैंड साइड में भी फैक्ट्री दिखेगा आपको, अजंता प्राइम। मेन रोड से प्रॉपर्टी दिखते ही है क्या भाई। पीजी और रेफरल बोनस भाई, रेफर कर लेना कोई। पीजी रेफर करने पर भी बोनस मिलते। तो चलो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अगेन मेन रोड पे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं फिर से मेन रोड पे और आपको दिख रहा है पीएस कॉलेज का बोर्ड। तो गाइस ये रहा पीएस कॉलेज की गेट और हमने घूम के आए हैं इसका पीछे। अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड सिल्क रोड, इंफोसिस की बिल्डिंग्स। इसका अंदर एक बिल्डिंग भी है काफी सुंदर, पिरामिड जैसा देखने में, ग्लास बिल्डिंग। तो कुछ ऐसा है हिसाब किताब इधर की। तो दोस्तों कोनापना आगरा हरा का एरिया इलेक्ट्रॉन सिटी फेस वन में भी पड़ते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में होता है मेन रोड। बाकी मैं अभी आगे जा रहा हूँ, आगे लेफ्ट में जाएंगे कोनापना आगरा हरा के, उस तरफ एक मेन रोड है उसको अंदर घुसेंगे, उधर थोड़ा बहुत रेसिडेंशियल एरिया है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखो ये बिल्डिंग है। दुकान उकान दिख रहा है इधर, होटल वोटल सॉरी बेकरी वगैरह। पता नहीं कितना लंबे है क्योंकि सामने तो आईटी ऑफिस है सब। देखो फिर से एवरी 10-20 मीटर्स में एक पीजी अकोमोडेशन का बोर्ड आपको दिख जाएगा, पेइंग गेस्ट। एक टेम्पल है इधर। पीजी फॉर जेंट्स, ये क्या है पता नहीं यार, गवर्नमेंट बिल्डिंग है क्या कोई। भाई साहब देखो सामने बिल्डिंग है पीजी का,
पूरे पूरे बिल्डिंग्स है पीजी के लिए। शाम के समय हो रहे, ऑफिस के छुट्टी हो चुका है, बहुत सारे लोग ऑफिस से बाहर आ रहे हैं।